नमस्कार दोस्तों, मोहन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फ़ोन के बारे में, फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे क्या है आपको मैं पहले बताना चाहूँगा। फ़ोनपे एक यूपीआई एप्लीकेशन है, उससे आप घर बैठे बैठे थे मोबाइल रिचार्ज वगैरह, डीटीएच रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र वगैरह आप कर सकते हैं। पहले अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे डाउनलोड करना है। तो पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। फिर टाइप करना होगा फ़ोन पे। मैंने टाइप कर लिया है, इसमें दिख स्क्रीन में आ रहा है फ़ोन पे यूपीआई पेमेंट रिचार्ज फ़ोन पे, ये आ रहा है। उसमें आपका मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरा में इंस्टॉल दिखा रहा है। तो आपको मेरा अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तो आपको दिखाएगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करते ही आपको स्क्रीन में आ जाएगा, आपका ये स्क्रीन में आ जाएगा। इंस्टॉल करके ओपन करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है और फुल नंबर डालना है, फुल नेम डालना है। उसके बाद 4 डिजिट फ़ोन पे पासवर्ड डालना है, कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करने से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको ख्याल रखना होगा कि ये जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं, उसमें आपको बैंक के साथ लिंक होना ज़रूरी होता है। और आपको ये उसके बाद आपको कैसे स्क्रीन दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्क्रीन आएगा। उसके बाद आपको पहले तो आपको करना होगा सेटिंग, इसमें टू सेल्फ करना होगा। टू सेल्फ करने के बाद जैसे ऐड बैंक अकाउंट करना होगा। इसमें मेरा दो ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड किया है, तो मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। उसके बाद आपको ये स्टेट बैंक जो को भी आप कर सकते हैं, इसमें सिलेक्ट करके आप अपना कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ मेरा में कैसे फिलअप किया है। ये मेरा हुआ है। तो अब आपको बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो पहले तो आपका किसी दोस्त भाई वगैरह के में ऑलरेडी अकाउंट फ़ोन पे है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टू कॉन्टेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको अकाउंट नंबर डालने का ज़रूरत नहीं है। जैसे दिलीप आइडिया, जैसन, सुमन, अजीत, आकाश सर, अंकित, जैसे फोन पे का सिंबल दिखा रहा है। तो आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिलीप सिलेक्शन कर लिया, इसमें जैसे अमाउंट डाल दिया मैंने 2000। उसके बाद आप यहाँ जाके कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैंने अगले महीने इतना लिया था, तो वो तुम्हारा दे रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ये वगैरह दे सकता हूँ। जैसे उसके बाद आप सेंड करने से सेंड ऑप्शन में जाना होगा। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड दे देगा, जैसे पासवर्ड मांगने को दे देगा। जैसे आप अपना कोई जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए, उसके बाद ओके मारने से आपका बैलेंस चला जाएगा। और आपका दूसरे अकाउंट में डालना है, जैसे फ़ोन पे उसका नहीं है तो नए अकाउंट में डालना है, तो ये टू अकाउंट में जाना होगा। उसके बाद ऐड बैंक करना होगा। इसके बाद आप उसका जो आईएफएससी कोड है, उसका अकाउंट नंबर है, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर डालना होगा, किसको देना है अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर देना होगा, जैसे आपके मोबाइल में सेव है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे जिसको देना है उसका नंबर ले सकते हैं। इसी करके कन्फर्म करने से आपका बैलेंस चला जाएगा। उसके बाद आपको रिचार्ज करना है, चेक पहले तो मैं बताऊँगा बैलेंस चेक करना है। जैसे यहाँ से बैलेंस चेक होता है, जैसे बैंक बैलेंस दिखाए, इसमें जैसे आपका चेक बैलेंस दिखा रहा है, इसमें अपना पासवर्ड डाल के ओके मारने से अपना बैलेंस आ जाएगा। फिर आपको रिचार्ज कैसे करना है, रिचार्ज जैसे आपका ये हो गया, रिचार्ज ऑप्शन में गया, फिर आपका कितना देना है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 10 रुपये सिलेक्शन कर लिया। जैसे किसको देना है, जैसे यहाँ से मोबाइल नंबर सिलेक्शन कर लिया, जैसे अर्जुन सिलेक्शन कर दिया, 10 लिख लिया, ये वोडाफोन नंबर है, आसाम का सिम है। जैसे 10 रुपये में 10 रुपये, इसके बाद ये रिचार्ज में करने से आपका रिचार्ज हो जाएगा। डीटीएच सेम प्रोसेस है, डीटीएच वगैरह का, ये है आपका फ़ोन पे है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत जान लिया होगा कि अपना आपने फिर दूसरा ऐसे अधिक जानकारी जानने के लिए आप
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।